नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं अवधेश, हमारा खास प्रोग्राम मुद्दे की बात आप देख रहे हैं। 6 महीने से भी कम वक्त अब बचा है देश के सबसे बड़े सूबे की सबसे बड़ी लड़ाई में, क्योंकि चुनाव भले ही यूपी का हो लेकिन दिल पूरे देश का धड़क रहा है। क्या सपा, क्या भाजपा और क्या बसपा, सभी राजनीतिक दलों ने यात्राओं और सम्मेलन के जरिए अपनी पूरी ताकत लगा दी है, लेकिन सवाल बड़ा है कि क्या इन यात्राओं के दम पर चुनाव जीत लिया जाएगा, और अगर जीत लिया जाएगा तो जनता को क्या मिलेगा। ये रिपोर्ट देखिए और समझिए यात्राओं के इस कुंभ में कौन कितना शक्तिशाली नजर आ रहा है। यात्राओं पर जोर, यूपी में शोर। देश के सबसे बड़े सूबे की मैराथन दौड़। राजनीतिक दलों में यूपी कब्जाने की होड़। अब 6 महीने से भी कम का वक्त बचा है यूपी के विधानसभा चुनाव में, क्योंकि जैसे जैसे वक्त बीत रहा है यूपी का महासंग्राम तेज होता जा रहा है। राजनीतिक दल यात्राओं के जरिए अपना जोर लगा रहे हैं। बुधवार को प्रदेश के अलग अलग जिलों में यात्राओं और सम्मेलन का शोर सुनाई दिया। बसपा ने अपने प्रबुद्ध सम्मेलन का चौथा चरण श्रावस्ती और बलरामपुर से शुरू किया, तो सपा ने पीलीभीत से जनादेश यात्रा शुरू कर दी। वहीं यात्राओं की दौड़ में नोएडा से तिरंगा पार्टी की शुरुआत कर आम आदमी पार्टी भी शामिल हो गई है। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतेंगे यूपी में यात्राओं के और भी रंग नजर आएंगे, क्योंकि जन आशीर्वाद यात्रा का सफल प्रयोग करने वाली भाजपा 5 सितंबर से प्रबुद्ध वर्ग संगोष्ठी आयोजित करने जा रही है, जिसे लखनऊ से सीएम योगी, कानपुर से उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और वाराणसी से बीजेपी संगठन महामंत्री सुनील बंसल शुरू करेंगे। यह आयोजन 5 सितंबर से 20 सितंबर तक चलेगा। इस प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में जो विशेष रूप से मुख्य चीज है, जो हमारे प्रदेश महामंत्री संगठन ने वर्चुअल बैठक में हमको निर्देश दिया और मार्गदर्शन किया, इसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को इस सम्मेलन में नहीं बुलाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के वही लोग इस सम्मेलन में रहेंगे जो व्यवस्था की दृष्टि से इसमें लगाए गए हर विधानसभा में। वहीं समाजवादी पार्टी ने यात्राओं और सम्मेलन का जैसे मानो कुंभ लगा दिया है। बुधवार को पीलीभीत से सपा ने अपनी जनादेश यात्रा शुरू की है, जिसकी अगुवाई सपा नेता इंद्रजीत सरोज कर रहे हैं। सपा की इस यात्रा का मकसद दलित और पिछड़ों को अपने साथ जोड़ना है। ये यात्रा 28 सितंबर को सुल्तानपुर में खत्म होगी, जबकि समाजवादी पार्टी ने परिवर्तन रैली के नाम से एक और यात्रा भी निकाली, जिसकी शुरुआत लखनऊ प्रयागराज मार्ग से हुई। वहीं 29 अगस्त से शुरू हुई सपा के किसान नौजवान पटेल यात्रा बुधवार को बलरामपुर पहुंची। लाभ और हान की बात नहीं है, आज राजनीति कभी लाभ और हान में तौलने का नजरिया तो गुजरात के प्रधानमंत्री लेके आए हैं। राजनीति हमेशा विषय सही और गलत के बीच में चुनने का रहा है। उन सभी दलों ने, हम किसी को छोटा और बड़ा नहीं कहते, उन सब दलों का मैं सम्मान करता हूं जो भाजपा की वर्तमान सरकार को हटाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। यूपी में यात्रा और सम्मेलन वाली पॉलिटिक्स में किसी भी राजनीतिक दल को कोई रिस्क नजर नहीं आ रहा है। साफ शब्दों में कहें तो राजनीतिक दलों को इसमें फायदा ही नजर आ रहा। यही वजह है कि यूपी में स्थापित दल ही नहीं, दिल्ली से बाहर अपना सियासी भविष्य खोज रही आम आदमी पार्टी भी यूपी में तिरंगा यात्रा के जरिए अपने पैर जमाने की कोशिश कर रही है। आम आदमी पार्टी ने यूपी की सभी 403 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान भी कर दिया है। आम आदमी पार्टी ने लखनऊ और आगरा के बाद नोएडा में भी तिरंगा संकल्प यात्रा निकाली है, और आप देख सकते हैं ये आम आदमी पार्टी की तिरंगा संकल्प यात्रा है। हजारों की संख्या में कार्यकर्ता इस तिरंगा यात्रा में शामिल हुए हैं, और आम आदमी पार्टी का कहना है कि ये तिरंगा यात्रा उत्तर प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों में निकाली जाएगी। लेकिन मुद्दे की बात ये है कि क्या सम्मेलन और यात्राओं से यूपी का किला फतेह हो जाएगा, क्योंकि यात्राओं में नेता अपने शाही रथ या बस पर सवार होकर आते हैं और मंच सजाकर निकल जाते हैं।
ऐसे में सवाल इस बात का है कि क्या इन यात्राओं से जनता का भला होगा, क्या वो मुद्दे वो समस्याएं जिनसे प्रदेश की जनता को हर रोज दो चार होना पड़ता है, क्या वो हल हो पाएंगी, या फिर ये यात्राएं सिर्फ माहौल बनाने के लिए है जो जितना भौकाली वो उतना शक्तिशाली। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और अब बात उस जानलेवा बुखार की जो सियासी होता जा रहा है, क्योंकि यूपी में वायरल बुखार तांडव मचा रहा है। डेंगू बुखार से बच्चों की जान जा रही है। फिरोजाबाद में आंकड़ा 50 के पार चला गया। वहीं लखनऊ और कानपुर का हाल भी बुरा है और अब जानलेवा बुखार को लेकर सियासत शुरू हो गई है। नाकाफी व्यवस्थाओं का हवाला देते हुए अखिलेश यादव ने सूबे की योगी सरकार पर निशाना साधा। क्या कहा, इस रिपोर्ट में देखिए। मासूमों पर जानलेवा बुखार का कहर। यूपी के दर्जनों जिलों में मौत का तांडव। कोरोना की तीसरी लहर के डर के बीच यूपी में जानलेवा बुखार कहर बनकर टूट रहा है। फिरोजाबाद से शुरू हुआ वायरल बुखार का तांडव मथुरा, कानपुर, लखनऊ, सहारनपुर समेत कई जिलों में फैल गया है। आलम यह है कि बुखार के नाम से भी अब डर लगने लगा है। फिरोजाबाद में मौत का आंकड़ा 50 के पार चला गया है। मथुरा में 15 दिन के भीतर 13 लोग जान गंवा चुके हैं। सहारनपुर में एक दिन में 4 मौतों से हड़कंप मच गया है। लखनऊ में डेंगू के मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। और अब बुखार का असर सूबे की राजनीति पर भी होने लगा है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव शहरों, बस्तियों और गाँव में फैले जानलेवा बुखार को लेकर सूबे की योगी सरकार पर निशाना साध रहे हैं। उधर प्रदेश सरकार डेंगू और वायरल बुखार से डील करने में जुटी हुई है। हाँ, डेंगू के केसेस जो अभी सूचना मिला है, जैसे कि मथुरा में केसेस कुछ निकले थे मगर वो डेंगू नहीं निकला, वो स्क्रब टाइफस नाम का एक बीमारी है वो निकला है। और फिरोजाबाद में क्योंकि सैंपल थोड़े लेट भेजे गए थे मगर KGMU से आज शाम तक या कल सुबह तक पता चल जाएगा कि उसका एग्जैक्ट कारण क्या है, किस तरह का बुखार है। सोमवार को सीएम योगी फिरोजाबाद में बीमार बच्चों से मिलने पहुंचे थे, लेकिन मौत का सिलसिला रुक नहीं रहा। जानलेवा बुखार की लड़ाई में बेड की किल्लत बड़ी परेशानी खड़ी कर रही है। इसकी एक तस्वीर कानपुर से सामने आई, जहां बाल रोग विभाग में सिर्फ 120 बेड हैं, जबकि 189 बच्चे भर्ती हैं। वहीं डॉक्टर्स की लापरवाही भी खतरे की घंटी बजाती है। एक ऐसी ही तस्वीर फिरोजाबाद से आई, जहां घंटों तक मरीज डॉक्टर का इंतजार करते रहे, लेकिन कोई डॉक्टर मरीजों को देखने नहीं आए, जबकि सीएम योगी ने वक्त पर मरीजों का इलाज करने का आदेश दिया है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि क्या डेंगू और वायरल बुखार का कहर जहर बनकर बच्चों पर टूटता रहेगा, या वक्त रहते इस पर काबू किया जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे वक्त बीत रहा है मुश्किल और ज्यादा बढ़ रही। कानपुर से रतीश त्रिवेदी, लखनऊ से शैलेश अरोड़ा और वाराणसी से नीतीश कुमार पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और अब बात 13वीं की तिरछी चाल की। बुधवार को पूर्व सीएम कल्याण सिंह की 13वीं पर श्रद्धांजलि का आयोजन हुआ। यह आयोजन अलीगढ़ के अतरौली में हुआ, जहां सीएम योगी समेत कई नेता पहुंचे, लेकिन समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव नहीं पहुंचे। ये सवाल इसलिए उठ खड़ा हुआ कि अखिलेश यादव कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि भी देने नहीं गए थे। तब भाजपा ने अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा था, और इस बार तो बाकायदा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह खुद जाकर मुलायम सिंह को न्योता देकर आए थे। ये रिपोर्ट। तेरहवीं पर राजनीति की तिरछी चाल। श्रद्धांजलि समारोह पर सियासी बवाल। अलीगढ़ के अतरौली में पूर्व सीएम कल्याण सिंह की 13वीं पर श्रद्धांजलि समारोह आयोजित हुआ, जिसमें सूबे के सीएम योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम, राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र और उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य समेत भाजपा और विपक्ष के कई नेता शामिल हुए। लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने तमाम मंत्रीगणों के साथ, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह के साथ
कल्याण सिंह की त्रयोदशी कार्यक्रम में जो ब्रह्मभोज रखा गया है उस भोज को वो ले रहे हैं और इस मौके पर उन्होंने कई सारी महत्वपूर्ण बातें कल्याण सिंह के बारे में कही। उनका कहना था कि वो एक प्रखर प्रशासक थे, एक ऐसे राजनेता के तौर पर उनको याद रखा जाएगा कि इन्होंने भगवान राम को लेकर अपनी पूरी राजनीतिक जीवन को उन्होंने समर्पित कर दिया। लेकिन सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव इस श्रद्धांजलि समारोह में शामिल नहीं हुए। ये सवाल इस वजह से उठ रहा है क्योंकि अखिलेश यादव पूर्व सीएम कल्याण सिंह के निधन के बाद श्रद्धांजलि देने भी नहीं गए थे, जिसको लेकर भाजपा ने क्या कुछ नहीं कहा। और इस बार तो खुद भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव को 13वीं के श्रद्धांजलि समारोह का न्योता देकर आए थे, जिसको लेकर खुद अखिलेश यादव ने ट्वीट किया था। सबने सोचा था कि मुलायम सिंह ना सही अखिलेश यादव इस कार्यक्रम में जरूर जाएंगे। हालांकि अखिलेश पहुंचे लेकिन कल्याण सिंह की 13वीं में नहीं बल्कि हरदोई में अपने एमएलसी राजपाल कश्यप के पिता की 13वीं में शामिल होने। अब सवाल इस बात का है कि क्या जो एपिसोड पूर्व सीएम कल्याण सिंह के निधन पर श्रद्धांजलि न देने के साथ शुरू हुआ था वो उनकी 13वीं में अखिलेश के ना पहुंचने पर खत्म होगा या नेक्स्ट लेवल तक जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और अब बात सपनों की चाबी की, जो क्या सत्ता का ताला खोलेगी। सीएम योगी ने प्रदेश के 5.5 लाख गरीबों के उनके सपनों के आशियाने की चाबी दी, लेकिन अखिलेश इसमें राजनीति का तड़का लगा रहे हैं। यही वजह है कि हमने लिख दिया है कि क्या सपनों की चाबी से सत्ता का ताला खुलेगा। ये रिपोर्ट देखिए। साढ़े 5 लाख गरीबों का सपना हुआ साकार, सीएम योगी ने सौंपी सपनों की चाबी। पीएम और सीएम आवास योजना के 5,51,000 लाभार्थियों को आशियाने की चाबी सौंपकर सीएम योगी ने गरीबों के सपनों में पंख लगा दिए हैं, क्योंकि हर गरीब का एक सपना होता है कि उसका अपना चाहे छोटा ही क्यों ना हो पर एक घर जरूर हो। प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति हम सबको आभार व्यक्त करना चाहिए कि उन्होंने 2014 में आने के बाद गरीब को, गांव को, किसान को, नौजवान को, महिलाओं को बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं के साथ जोड़ा और आज प्रधानमंत्री आवास योजना में 27 लाख से अधिक लोगों को जो आवास योजना का लाभ प्राप्त हो रहा है। सीएम योगी की माने तो प्रदेश सरकार 4 साल में 41,000-73,000 से ज्यादा लाभार्थियों को ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में आवास दे चुकी है, लेकिन इस बार जो आवास दिए गए वो एकदम खास हैं, क्योंकि जिन लाभार्थियों को अपने आवास की चाबी मिली उनमें वो 26 लाभार्थी भी शामिल रहे जिनका आशियाना लखीमपुर खीरी की उस मॉडल टाउनशिप में बनाया गया है जिसकी सराहना खुद सीएम योगी कर चुके हैं। इस कॉलोनी में हर वो सुविधाएं हैं जो एक अच्छी कॉलोनी में होती है। जो शहरी सुविधाएं ग्रामीण अंचल में होनी चाहिए, जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी का भी यह संकल्प रहा हुआ है कि मात्र एक पक्की छत ही ना हो, उसके साथ सारी बेसिक सुविधाएं और समवर्ती सुविधाएं हो, वह प्राप्त हो जाती हैं एक टाउनशिप के अंदर। एक सुरक्षा का भी आभास होता है और एक उच्चीकृत जो है लिविंग स्टैंडर्ड सृजित होता है। इसकी देखा देखी कर करके ही अन्य गांववासी भी इसे सीख पा रहे होते हैं। लेकिन अखिलेश यादव 5.5 लाख घरों की सौगात को चुनावी सौगात बता रहे हैं। लगातार गरीबों के घर नहीं बन पाए हैं। जो गरीब के लिए इंतजाम होना था, पैसे देने थे, अभी भी गरीबों में अभाव है, उनके घर नहीं पहुंचे हैं। तो लाख बांटने से क्या होता है, ये पहले दिन से कोशिश होनी चाहिए थी कि किसी भी गरीब का कच्चा घर नहीं होगा, सबका पक्का घर होगा। अब तो सरकार जा रही है, गरीब कैसे बना लेगा 4 महीने में। वैसे चुनावी मौसम में हर सौगात चुनावी ही लगती है, यह आरोप 2017 के चुनाव से पहले भाजपा ने भी अखिलेश यादव पर खूब लगाए थे और आज अखिलेश यही आरोप भाजपा पर लगा रहे। ऐसे में सवाल इस बात का है कि क्या हर काम सियासी है या बिना सियासत के भी कुछ काम होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और अब बात पढ़ेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे, क्योंकि जिंदगी फिर से पटरी पर लौट आई है।
प्रदेश सरकार ने प्राइमरी स्कूलों को भी खोल दिया है। बुधवार को बच्चे स्कूल पहुंचे, हालांकि पहले दिन बच्चों की भीड़ कम रही, लेकिन उम्मीद है कि जैसे दिन बीतेंगे ये संख्या बढ़ने लगेगी। सात महीने बाद यूपी में जिंदगी पूरी तरह से पटरी पर लौट आई है और इसका सबसे जीता जागता सबूत है स्कूल, जहां नौनिहालों की आवाज फिर से गूंजने लगी। ये कोरोना पर जीत की सबसे बड़ी गवाही है, क्योंकि अब सरकार ने प्राइमरी स्कूल भी खोल दिए हैं। स्कूल के पहले दिन बच्चों में गजब का उत्साह देखने को मिला। अभिभावक खुद बच्चों को छोड़ने आए। हालांकि पहले दिन स्कूल में बच्चों की उपस्थिति कम रही, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतेंगे ये बढ़ने लगी। कई महीनों के बाद एक बार फिर से कक्षा 1 से 5 तक के स्कूल आज से खुल गए हैं। छोटे छोटे बच्चे जो क्लास 1 से 5 तक के हैं वो स्कूल में आना शुरू हो चुके हैं। स्कूल के गेट पर उनकी थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है, इसके बाद उनके पूरे डिटेल्स नोट किए जा रहे हैं। देखिए, छोटे बच्चे हैं, ऐसे में कहीं ना कहीं स्कूल्स के लिए भी एक बड़ी चुनौती है ये, और इसको देखते हुए खास सतर्कता भी बरती जा रही है। सरकार ने सभी स्कूलों को सख्ती से कोरोना नियमों का पालन करने का आदेश दिया है। कहीं कोई अनहोनी न हो, इसके लिए सभी 75 जिलों में नोडल अधिकारी निगरानी रख रहे हैं। कि आप सब लोगों को जानकारी है कि कोविड-19 की जो पहली लहर जब समाप्त हुई थी, तो भी हम लोगों ने पिछले मार्च में स्कूलों को खोला था, तो इसलिए उसकी पूरी एक डिटेल SOP जारी की थी। सारे जो कोविड प्रोटोकॉल हमारा स्वास्थ्य मंत्रालय और गृह मंत्रालय देता है, उन सबको जारी किया था। उसी तरह की SOP फिर से जारी की है कि पूरी सामाजिक दूरी का पालन करेंगे, सारे शिक्षक कर्मचारी बच्चे सब मास्क लगाकर आएंगे, क्योंकि कोरोना की तीसरी लहर में सबसे ज्यादा खतरा बच्चों को ही है। ऐसे मुश्किल हालात में अभिभावक अपने बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं, तो सरकार को भी अपनी तरफ से भरोसा दिलाना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा।